अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली हर मज़े की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से चना पुलाव। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चना पुलाव रेडी करने के लिए सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ऑयल लिया है, यहाँ पे हाफ कप ऑयल डाला, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ग्लास मैंने चावल ऑलरेडी भिगो के रख लिए हुए हैं। तो जब आपने 2 ग्लास चावल लेने हैं तो हाफ कप जो है वो छोटे वाला कप होता है उसे मैयर कर लें और ऑयल ले लें, या घी भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आपको पसंद है। अब एक अदद इसमें हम लेंगे प्याज, वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। प्याज के गोल्डन ब्राउन होने का वेट करते हैं, उसके बाद इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना है। इस तरह से ये होगा कि आपके चावल का जो कलर होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें हमने गरम मसाले की कुछ चीज़ें ली हैं वो ऐड करेंगे। 5 अदद मैंने ली हैं यहाँ पे साबुत काली मिर्चें, 2 अदद लिए हैं कड़ी पत्ता, 2 अदद ली है दालचीनी स्टिक्स, तो हाफ टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पे जीरा, साबुत जीरा, 1 अदद बादियान का फूल और 4 अदद ली हैं लौंग। अब ये सारे गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। गरम मसाला इसमें ऐड करने के बाद थोड़ी सी मैंने इमली ली है, सिर्फ 4 अदद इसके पीसेस लिए हैं वो ऐड करेंगे। 1 अदद टमाटर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करते हैं। इसको 5 मिनट कुक होने देते हैं, उसके बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको मैं कवर अप करके रखती हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए। काफ़ी हद तक टमाटर कुक हो चुके हैं, अब इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू करते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे लेंगे सॉल्ट, क्योंकि जितने आपने ग्लास चावल के लेने होते हैं उतने ही आपने चम्मच नमक डालना होता है उसमें, तो यही क्वांटिटी है इसकी। 2 चम्मच नमक लेंगे इसमें। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लेंगे रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस आपकी मर्जी है, स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस लिहाज से आपका टेस्ट सेट होगा। 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ली, इस तरह से बारीक उनको काट लिया, वो ऐड करेंगे। इसमें अब ये है थोड़ा सा अचार का मसाला, जो होममेड आपका अचार है, मिक्स्ड अचार, इसमें कोई आम गाजर वगैरह जो भी चीज़ होती है, थोड़ा सा मैंने 1/2 टेबल स्पून वो ले लिया, वो ऐड करेंगे। इससे आपका चने का पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। इसको 5 मिनट तक कुक करते हैं कवर अप करके मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद इसमें हम बॉइल्ड चने ऐड करेंगे। 5 मिनट के बाद हर चीज़ अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब इसमें मैंने चनों को ऑलरेडी बॉईल किया हुआ था, आप चनों को बॉईल करके रख सकते हैं फ्रिज में, 1 to 3 वीक्स तक ये चल सकता है आराम से, आपके चने ख़राब नहीं होंगे। तो बॉयल्ड चने हैं ये, मैंने 1 कप भर के चने लिए हैं, आपको जितने ज़्यादा पसंद होंगे आप उस लिहाज से ऐड कर सकते हैं। अब चनों में 3 to 4 टेबलस्पून मैं पानी ऐड करूंगी और इसको कवर अप करके रखते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, बाद में इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। अब 5 मिनट के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 2 ग्लास अगर आपके चावल हैं तो आपने डबल क्वांटिटी करनी होती है, तो इसमें मैं 4 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना होता है, वरना आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते अगर आपकी क्वांटिटी ज़रा भी ऊंच नीच हो जाएगी क्वांटिटी में। तो नमक भी आपने चावलों के मुताबिक लेना है, 2 ग्लास चावल तो 2 चम्मच ही नमक, और 2 ग्लास अगर आपके चावल हैं तो आपने 4 ग्लास इसमें पानी ऐड करना है जब आप पुलाव बना रहे हो किसी भी चीज़ का। तो पानी जब बॉयल होगा फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। पानी देख रहे हैं आप काफ़ी हद तक बॉयल हो गया है। अब इस पॉइंट पे आके आपने इसका नमक चेक कर लेना है थोड़ा सा निकाल के कि आपका नमक ठीक है, अगर नहीं ठीक तो आप कम, अगर कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा सा नमक।
अब इसमें जो मैंने चावलों को भिगो के रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। इसको तकरीबन आधा घंटा पहले आप बॉईल कर लें चावलों को। सारे चावल ऐड करेंगे। अब चावलों में से हमने पानी के ड्राई होने का वेट करना है। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा फिर इसको दम देना है। पानी बिल्कुल चावलों में से ख़त्म हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके आपने अपना फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है। लो फ्लेम पे हमने इसको दम देना है। पहले आपने सारा चना पलाव अपना फ्लेम जो है वो मीडियम पे आपने कुक करना है, लेकिन जब हमने दम देना होता है चावलों को या बिरयानी को किसी भी चीज़ को, तो आपने उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम देना होता है। तो इसको 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे दम देते हैं। बहुत सिंपल और मज़ेदार सी चना पुलाव की रेसिपी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।